आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। खरीफ सीजन के दौरान फसल को हुए नुकसान की तुलना में मौजूदा जलवायु परिवर्तन से बागों को ज्यादा नुकसान हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से जलवायु परिवर्तन होने से पाला बढ़ रहा है, जबकि तापमान फिर गिर रहा है, जिससे अंगूर की फसल खराब हो रही है। बढ़ती ठंड के कारण अंगूर के साइज बढ़ना बंद हो गया है और साथ ही फल की गुणवत्ता भी कम होती जा रही है। पहले बेमौसम बारिश के कारण और अब बढ़ती ठंड के कारण बागवानी को इस साल भारी नुकसान हो रहा है। अब इसका उत्पादन पर सीधे तौर पर प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि बढ़ती ओलावृष्टि के कारण बीजों का क्षरण हो रहा है। वहीं दूसरी ओर खानदेश में केले के बागों पर प्रभाव पड़ने से केले के पत्ते फट रहे हैं। केले के बागों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि बदलते मौसम ने सब कुछ खराब कर दिया। इससे पहले ऐसे ठंड के मौसम में फसलें इतनी खराब कभी नहीं हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना भी जताई है। ऐसे में किसानों के पास अपनी फसल बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ना केवल ठंड बल्कि सुबह की ओस और कोहरे के साथ साथ दोपहर की गर्मी ने अंगूर के बीजों को जलने और उबलने की घटनाओं को बढ़ा दिया है। नतीजतन अंगूर के बीज फट रहे हैं और साथ ही अंगूर की मिठास कम हो रही है। वर्तमान में बदलते जलवायु अंगूर के पौधों के फूल को सीधे प्रभावित कर रही हैं। बागों को बचाने के लिए किसान रात में अंगूर के बागों को पानी दे रहे हैं। ऐसा करने से इस अवधि के दौरान पर्याप्त पानी की आपूर्ति प्रदान करके बाग कोशिकाओं को क्रियाशील रखना महत्वपूर्ण हो जाता है, नहीं तो ठंड के कारण बाग पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। नासिक जिले में किसान अंगूर के बाग में रात के समय आग जलाकर बाग गर्माहट रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।